What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 20th जुलाई 2020 मंडे है, सुबह के 8:06 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो सबसे पहले जो फ्राइडे को हमने एनालिसिस किया था उसका एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये फ्राइडे का पिक्चर है, यानी 17 जुलाई आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ था। तो फ्राइडे का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 10,818। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फ्राइडे को काफ़ी स्लगिश वे में एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। लगातार 20 और 50 ईएमए का ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट बन रहा था 10,832, ये यहाँ पर अचीव हुआ ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करने के बाद। ब्रेकआउट लेवल को काफ़ी पेनेट्रेट कर रहा था, कई बार इसने इस लेवल को छुआ, पेनेट्रेट किया और ऊपर जाके एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। और लास्ट जब फाइनल आर्स कुछ बचे थे ट्रेडिंग के, तो ज़बरदस्त यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने मिला। आर्ली चार्ट में हमने फ्राइडे को एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनने की प्रोबेबिलिटी दिखी थी, वो कंप्लीट हुआ, नेकलाइन को ब्रेक किया और फिर सेकेंड टारगेट 10,856 ये भी अचीव हुआ। और ज़बरदस्त यहाँ से और भी तेज़ी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो फ्राइडे के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट से हालात देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो अपस्टॉक्स का ऑफर है उसका कल लास्ट डेट है। अगर आप हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर यहाँ से अगर आप ओपन करते हैं अकाउंट, तो आपको हमारे जो प्रीमियम इंट्राडे मेंबरशिप है वो भी आपको फ्री में मिल सकती है, और मनी कंट्रोल की जो सब्सक्रिप्शन है 2,000 रुपीज़ की ईयरली, वो भी आपको फ्री में मिल सकती है। और आने वाले 30 दिनों के लिए अपस्टॉक्स की तरफ से आपको कोई ब्रोकरेज नहीं होगा। तो ये ऑफर है, कल उसका लास्ट दिन है, तो जल्दी कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट फ्राइडे को देखे तो हरे निशान में बंद हुए थे, हालांकि एक स्लगिश पैटर्न वहां पर भी देखने को मिला था। यूरोपियन मार्केट्स में भी मिले जुले कारोबार देखने मिले, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो सभी लगभग लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, डाउ फ्यूचर देखे तो 98 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। कोरोना वायरस का अपडेट देखें तो अभी इंडिया में 10 लाख के अबाव कोरोना के केसेस चले गए, लेकिन जो वैक्सीन की खबरें आ रही है वो भी पॉजिटिव खबरें हैं, तो थोड़ी उम्मीद वहाँ से भी जताई जा रही है। अभी जो ये मंथ है उसमें Q1 के रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं, तो Q1 जो है कंपनीज़ का ज़्यादातर लॉकडाउन में गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो Q1 के रिजल्ट्स आए वो उम्मीद के मुताबिक ना आए। तो एक साइडवेज एक स्लगिश वे में निफ्टी इंडेक्स हमें इस महीने में देखने को मिल सकता है, एक वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले वीकली चार्ट से शुरू करेंगे निफ्टी का एनालिसिस। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक इसने ये 100 EMA जो कि ग्रे लाइन है और ब्लू लाइन 50 EMA, यहाँ पर इसने काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पेक्ट किया, इसको सपोर्ट टेस्ट किया और फिर से एक बार इन तीनों मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। अगर प्राइस एक्शन को देखें तो जहाँ पर ये पास्ट में इसने सपोर्ट टेस्ट किया था अराउंड 10,638 के लेवल के पास, इसने लास्ट वीक एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया। लास्ट वीक 10,600 को ये ब्रेक नहीं कर पाया, यानी 50 EMA के नीचे ये क्लोज नहीं हो पाया, एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक होते हुए इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पर बनाया, जहाँ पर ओपन हुआ था जस्ट आके उसके ऊपर क्लोज हुआ। अगर पीछे जाके देखें तो एक 2018 के दिसंबर से लेके मार्च 2019 तक, यानी इलेक्शंस के पहले जो लोकसभा के इलेक्शंस थे, तभी एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था। तो उसका अपर बैंड का लेवल अराउंड 11,000 के पास बन रहा था। तो 11,000 का लेवल जो है साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, 10,000 जैसे कि है वैसे ही 11,000 है। तो 11,000 पार करते वक्त भी इसे काफ़ी कुछ हर्डल महसूस यहाँ पर हो सकता है। तो अगर ये निफ्टी इंडेक्स इस जुलाई में हो सकता है अगर ऊपर जाते वक्त 11,000 के पास अगर
हर्डल फेस करे तो फिर से एक बार यहाँ पर 10,600 के पास सपोर्ट टेस्ट करने आ सकता है। तो ये एक रेंज हो सकता है, अगर 11,000 के ऊपर कंफर्टेबली ये सस्टेन करता है तो निफ्टी में और भी यहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये वीकली चार्ट का सिनारियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो हमने ये जो फॉल आया था उसके बाद यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, तो इसका 23.6% का लेवल 10,575 के पास आ रहा था। 3 दिन इसने लगातार यहाँ पर एग्जैक्ट सपोर्ट यहाँ पर इसने टेस्ट किया और रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, और यहाँ से अभी इसने बाउंस बैक दिखाया और इसने इस लेवल का ये जो स्विंग हाई बना था इसका ब्रेकआउट दिया। हालांकि ब्रेकआउट देने के बाद एक कैंडल बनना ज़रूरी है ताकि कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पर इस तरह से एक ग्रीन कैंडल आए तो कंफर्मेशन मिल सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है जहाँ पर इसने ये 4 दिन पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करके एक छोटा सा यहाँ पर एक फॉल दिखाया, तो हो सकता है यहाँ पर भी हमें एक फिर से एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि फ्राइडे को ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, करीब 60-70 पॉइंट्स की अपसाइड लास्ट कुछ आवर्स में देखने को मिली थी। तो हो सकता है आज प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर देखने को मिले। तो अगर हम यहाँ पर अभी लास्ट जो हमें स्विंग हाई लो मिल रहा है उसके मुताबिक अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं पहले तो इसने एग्जैक्ट यहाँ पर 38.2% को इसने रिस्पेक्ट किया, अभी फ्राइडे को एग्जैक्ट इसने 10,900 के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो अगर इस लेवल के ऊपर यानी 50% का ये जो लेवल है इसके ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो हमें 11,000 के निफ्टी इंडेक्स में लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता, ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं निफ्टी इंडेक्स ये ब्रेकआउट को और कन्फर्मेशन देता है या नहीं। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमने फ्राइडे को यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी देखी थी कि यहाँ पर ऐसे डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बन सकता है, ये फर्स्ट बॉटम और ये सेकेंड बॉटम, और इसके नेकलाइन जो कि हमारा ब्रेकआउट लेवल था एग्जैक्ट उसी के पास इसका नेकलाइन आ रहा था, कंटिन्यू इसी लेवल के पास ये पेनेट्रेट कर रहा था, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था और लास्ट आवर्स में इसने ज़बरदस्त इसको ब्रेकआउट देने के बाद तेज़ी दिखाई। तो अभी ये जो नेक लाइन बन रहा है हो सकता है यहाँ पर ये फिर से इसे टेस्ट करने को आ जाए, क्योंकि जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करता है, तो हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट टेस्ट करे और फिर यहाँ से बाउंस बैक दिखाए। अगर इस लेवल ये जो कैंडल है इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में तो ही यहाँ से और एक्सटेंड हो सकता है ये अपसाइड मूव। तो आज के लिए हमारे ब्रेकआउट लेवल होगा ये जो फ्राइडे का हाई है यानी 10,934, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 10,953, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल जो कि 10,973 के पास है, और अगर ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो पिवट पॉइंट को इसको कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हर्डल फेस किया था इसने, तो हो सकता है इस लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक भी दिखा सकता है यहाँ से, तो पिवट पॉइंट को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए यानी 10,861 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,835, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,812, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।